Hi friends, welcome to my channel Sabar with Suni. Friends, it's been a long time I have not made any video due to the lockdown of pure India. Whole India is being lockdown. सभी जगह पे पूरा कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकते. इसकी वजह से मैं कोई वीडियो भी निकाल नहीं सकता बाहर जाके. तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ डिसीजन ले लिया है जो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ. तो मैंने आज से सोचा है कि मैं आज से मैं जो मेरी कंप्यूटर की नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस. तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर के ऊपर. तो फर्स्ट क्लास में हम लोग चाहे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. किसने बनाया था कंप्यूटर? हु डिजाइंड कंप्यूटर? कंप्यूटर वॉज डिजाइंड बाई चार्ल्स बेबेज इन 19th century. चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन किया था इन 19th century में. और उसका जो फर्स्ट कंप्यूटर का जो नाम था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1946. और उसका जो उसको बनाने में जो स्पेस लगा था वो 1800 square feet. मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा वो है. और उसका जो अप्रोक्सीमेटली वेट था वो 50 टन के लगभग उसका वेट था. और जो उसको जो वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे वो टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे. और इंडिया के बारे में बता दो तो जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारे इंडिया में बनाया था उसका नाम था सिद्धार्थ. एंड सेकेंड सुपर कंप्यूटर वॉज नेम्ड एज परम 8000. सो ये थी हिस्ट्री अबाउट द कंप्यूटर्स एंड इंडिया के बारे में. तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर का. तो एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में आपको तो पता ही होगा. एक्सटर्नल में हम मॉनिटर जो डिस्प्ले रहता है स्क्रीन उसको मॉनिटर बोलते हैं. सेकेंड जो रहता है मेन पार्ट वो है CPU, उसकी वजह से सब कुछ काम चलता है CPU. और थर्ड जो पार्ट है वो है कीबोर्ड, फोर्थ है माउस और फिफ्थ है UPS. ये है कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स. तो इतना ही था इस सेशन में फ्रेंड्स. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और भी मैं क्लासेस लेते आऊँगा. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी एक्सटर्नल पार्ट्स एंड उसके अंदर के बारे में हम लोग पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस भी देखते हैं और मैं आपको मेरी जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा. तो देखते रहिए सफर. थैंक यू.